दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। रीवा में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने राजनिवास कांड को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना देकर ज्ञापन सौंपने की बात कही है। जैसा कि आपको मालूम है कि राजनिवास में हुए अपराधियों के द्वारा घृणित कार्य से रीवा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ ही पूरे प्रदेश को शर्मिंदा होना पड़ा और आम आदमी पार्टी शुरू से ही प्रशासन के सहयोग में अपराधियों पे कार्यवाही को ठीक ठहराने के सहयोग से साथ खड़ी है। सभी मुख्य आरोपी सहित सहयोगी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन भी करती है, लेकिन जिस प्रकार की घटना में प्रशासन की तरफ से जनप्रतिनिधियों की तरफ से सहयोग प्रदान किया गया उसको लेकर ये दूसरी बार कुछ मांगों के साथ आप पार्टी सड़क पर खड़ी है। आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए बताया कि आरोपी महंत को बुलवाकर शहर में पोस्टर लगवाने वाले और आगंतुक के आपराधिक जानकारी छुपाने वाले बिल्डर पर कार्रवाई की जाए, तो वहीं दोषी प्रतिनिधि जिनके अनुशंसा से कमरा अपराधी के नाम पर दिया गया उसका नाम भी सार्वजनिक किया जाए। तीसरी मांग के रूप में उन्होंने रूम में अलॉट करने वाले SDM को हटाए जाने की मांग की, तो वहीं चौथी मांग में सीताराम के साथ फोटो खिंचवाने और रीवा में दुकान सजवाने वालों को कारनामों की भी जांच की है। उन्होंने पांचवी मांग के तौर पे कहा है कि 3 जोन में बांटा जाए जिला, पहला रीवा शहर, दूसरा मऊगंज क्षेत्र और तीसरा त्योथर क्षेत्र। वहीं थानों और चौकियों में पुलिस बल की पदस्थापना की भी मांग की है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के थाना प्रभारियों की पदस्थापना की भी मांग की है। आपने दूसरी पार्टियों का शासन देख लिया है, हमने कांग्रेस का शासन देखा, हमने BJP का शासन देखा, हमने सारे शासन देख लिए। हम आज एक मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम सारे मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। क्या महंगाई की तरह छोड़ देंगे, क्या बेरोजगारी छोड़ देंगे? ये यहाँ पर जो है राजनिवास को लेकर जिस प्रकार को शुरू से राजनिवास के मामले को लेकर 29 तारीख को जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर सारे अपराधियों का नाम बताया गया था, षड्यंत्र तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई थी, उस पर जो है लगातार कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार से लोगों को अंदर लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से शुरू से ही प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी राजनिवास के कमरे को बुक करना, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कमरा किसके नाम से बुक हो रहा है, ये सुनिश्चित होना चाहिए था कि भले ऊपर का मंत्री, आपका प्रभारी मंत्री, जिसको जानकारी अनुसार, मेरे जानकारी अनुसार प्रभारी मंत्री या फिर कोई यहाँ का जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा जो अगर भले आपको प्रेस किया जा रहा था, लेकिन किसी अपराधी के नाम पे कमरा बुक नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद बुक हुआ। हम लोग के द्वारा लास्ट टाइम पे भी 1 महीने पहले, आज से ठीक 1 महीने पहले 10 तारीख को यहाँ से जो है राजेंद्र शुक्ला जी का घेराव करने गए थे हम लोग और उस पर हम लोग की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद प्रशासन, मिस्टर पुष्प, DM रीवा, ये बहुत खेत के साथ मैं कहना चाहूँ, मैं प्रमोद शर्मा इस बात को कहना चाहता हूँ कि 1 महीने बाद भी आप उस निर्णय पर नहीं पहुँच पाए जो कि आपके पास टेबल पर रखा हुआ है। एक नज़र पे आप देख सकते थे कि इसका जो है जिम्मेदार व्यक्ति आपका SDM है, उनको निलंबन की कार्रवाई आपने नहीं की और उस बात को फिर से शर्मिंदा करते हुए नैतिकता पर राह पे अपनी नौकरी करें, अपने जमीर को देखकर नौकरी करें, इस बात की गुहार लगाते हुए हम सभी लोग एक बार इस 48 डिग्री के टेम्परेचर पे यहाँ पर आपके सामने बैठकर ये मांग कर रहे हैं कि आप जो हैं तत्काल जो हैं इस संबंधित SDM जिसने बुक किया, और रीवा की जनता चाहती है कि आप इसको बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब 4 CC कोरेक्स की गिरफ्तारी पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो प्रशासन का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे क्यों नहीं हुआ? इस बात को लेकर नैतिकता के साथ में हम सभी लोग टैक्स पे ही लोग हैं जिनके द्वारा आपको पुष्प जी आपको तनख्वाह मिलती है, प्रशासन तनख्वाह मिलती है, जिस बेटी के साथ में कांड हुआ उसके परिवार की तरफ से और समस्त रीवा की जनता की तरफ से हम लोग यहाँ पर गुहार लगाते बैठे हुए इस बात के लिए कि आज जो है इसको सार्वजनिक करने की जरूरत है और बताएं, और अगर ये सर नहीं करते हैं तो हम लोग को जो है कानून व्यवस्था को, जिस प्रकार से हम लोग कानून व्यवस्था को बहुत मानते हैं, उसको न मानने के लिए हम लोग मजबूर होंगे और आज हम लोग इसी बात के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि यहाँ पर जो है तत्काल इसको जो है इनका निलंबन किया जाए। ये हमारे लोग को जो है 8 सूत्री मांगे हम लोगों ने रखी हैं और ये जो है हम लोगों ने बताया हुआ है, इस मांग को लेकर हम यहाँ पर नैतिकता के आधार पर बैठे हुए हैं। मैं प्रमोद शर्मा, जिलाध्यक्ष, ग्रामीण, आम आदमी पार्टी, रीवा।